नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शेमारू चैनल्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है कि गिरिजी की फिल्म लाइफ हमारी झंडवा ने सफलता के 100 दिन पूरे कर लिए। ये देखिए हमारे प्रोड्यूसर गिरिजी सीढ़ियों से लहराते हुए नीचे आ रहे हैं। ये देखिए, आइए सर, हमारे प्रोड्यूसर सर, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी ब्रेकिंग, गिरिजी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, गाइज एंड गीज, एच एवी प्रोडक्शन के बैनर तले बनी भोजपुरी सुपरहिट फिल्म लाइफ हमरी झंडवा सुपरहिट हो गई है। उसके सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे होने पर सबको बहुत बधाई। सारी दुनिया में फैला हुआ है कोरोना, लेकिन रोक नहीं सका हमारा सिनेमा। सो फ्रेंड्स, जिन पात्रों ने हमारे सिनेमा में काम किया है वो सभी पात्र बधाई के पात्र है, और जिन्होंने नखरा किया वो दया के पात्र है। मिलते हैं हमारे सुपरस्टार लकी स्टार को, जिसने बहुत ही कम समय में इस इंडस्ट्री में झंडा गाड़ दिया है। तो तालियों की बौछार से हम स्वागत करते हैं प्रबल कुमार सरल का। प्रबल जी, प्रबल जी, कमीशन सुपर हिट हीरो, आइए आइए। और स्वागत करते हैं हमारी ब्यूटीफुल हीरोइन प्रमिला रॉय का। हाय, क्या कर रहा है राग रहा है? आपने इस सुपरहिट जोड़ी की सुपरहिट फिल्म तो देख लिए। सही सही, तो दिल थाम के बैठिए, मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वाओ, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट सर। इस जोड़ी के साथ जी 3 हिंदी और 3 भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ, और इसे देखेंगे अमेरिकन, कैनेडियन और सिंगापुर वाले। ओहो, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, यानी फिल्म इंटरनेशनल लेवल की है सर। इंटरनेशनल लेवल की, हमारे इंटरनेशनल एक्टर, लिख लो, लिख लो। प्रबल जी, सुना है आपने इस फिल्म में फंडिंग भी की है? जी जी, थोड़े बहुत किए हैं, 30%। 30%? अच्छा, इसका मतलब आप गिरी जी के नर पार्ट, सॉरी, पार्टनर हैं? नहीं नहीं नहीं, गिरी जी सोलो प्रोड्यूसर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने थोड़ी बहुत जो भी फंडिंग की है उसके बदले में। अच्छा, सफलता तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, और तो और सोने पे सुहागा, गिरी जी हम दोनों के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह फिल्में शुरू करने वाले हैं। वाओ, वैसे आप आने वाली फिल्म का टाइटल बता सकते हैं? टाइटल तो बता ही सकते हैं जी, तो नहीं बता पाऊंगा। जी जी, हमारे आने वाली नेक्स्ट फिल्म का टाइटल है बहू के दो रंग। बहू के दो रंग, समथिंग हटके, वाह, नाम से पता चल गया होगा, पारिवारिक है। हाँ, फैमिली ड्रामा फिल्म है, क्योंकि मैंने कसम खाई है हाँ कि जनता हमसे बहुत प्यार करती है जी, जनता हमारा परिवार है, तो हम हमेशा अपने फिल्मों के माध्यम से अब पारिवारिक फिल्में ही देंगे, जिसको पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सके जी, एंजॉय कर सके। और जो परिवार के साथ में देखी जाती है जी, उस फिल्म को हिट होने से कोई रोक सकता है क्या? अरे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। एक मिनट, एक मिनट। महेंद्र जी का, महेंद्र चोपड़ा जी का। ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, चलते इंटरव्यू में महेंद्र चोपड़ा का कॉल आया सिर्फ हमारे चैनल पे, बताएगा सी भारत। Excuse me. हेलो सर, आपने जिस तरह हमारी पहली फिल्म को इतना सराहा है, बाकियों को भी इतना ही प्यार देना। चरण स्पर्श सर, महेंद्र सर, आपका फोन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ प्रबल, कैसे हो? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर।
बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन यार, मैंने तुम्हारी फिल्म देखी, कमाल का काम किया यार तूने। सर आप ही की फिल्में देखे तो सीखा है, बस अब आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे हाँ ऑफकोर्स, हमारा आशीर्वाद तो है ना तुम्हारे साथ। दरअसल प्रबल क्या है ना, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जो 7 भाषा में होगी, इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म होगी, और ये फिल्म रिलीज होगी तुम दुनिया के सबसे बड़े स्टार होंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बनो। थैंक यू सर, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी फिल्म करते हुए, लेकिन मैं यहाँ हॉनेस्ट इंडिया विजन फिल्म के साथ 6 फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वैसे HI वाले दे क्या रहे तुमको पर फिल्म का? जी एक फिल्म का वो मुझे 15 लाख रुपए दे रहे हैं। अच्छा, पर फिल्म मतलब 6 फिल्म के हिसाब से तुमको मिली है 90 लाख। अगर मैं तुमको एक फिल्म का 1.5 करोड़ दूं तो क्या करोगे? थैंक यू सर, बट जबान की भी कोई वैल्यू होती है, मैंने उनको जबान दे दी है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। प्लस सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। गुड, आई लाइक दिस लॉयल्टी। प्रबल तुम बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हो, ऐसे ईमानदार आदमी बहुत कम मिलते हैं, मैं तुम पे प्राउड करता हूँ बहुत। थैंक यू सो मच सर। एक बात याद रखना, दुनियादारी धोखेबाजी से नहीं ईमानदारी। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, बड़े खुश हो। महेंद्र चोपड़ा जी का फोन था। रियली? यस महेंद्र जी, पता है 7 भाषाओं में बना, मुझे सही करना चाहते थे। सर अबाउट यू, कैमरामैन अच्छा है लेकिन उसका इमेज सही। आर यू इन रिलेशनशिप? क्लोज फोटो प्लीज प्लीज सर। थोड़ा राइट देखिए ना सर, सर स्मेल सर, थोड़ा राइट देखिए सर। ये जिंदगी संवर गई, महक उठा हर पल मेरा, तेरे वास्ते धड़कने लगा ऐ हर घड़ी अब दिल मेरा। इन दिनों ख्वाहिशे मुस्कुराने लगी, बेजुबा आरज़ू गुनगुनाने लगी, बिन तेरे चैन आता नहीं आजकल, हाँ ये सब जानता है खुदा। इस दिल को है तुझसे फकत अब वास्ता, तू ही मंजिल है यारा मेरी, तू ही रास्ता। तू चले जिस तरफ उस तरफ मैं चलूं, जिस रंग में तू ढाले उसी में ढलूं, तोड़ दूं सारी दीवानगी की हदें, तू अगर ना कहे नाम रब का ना लूं, सच तो ये है कि है तू मेरी तिश्नगी, हाँ तू ही बस मेरी रूह की है सदा। हमारे प्रबल की तो लाइफ सेट हो गई, भगवान ने हीरो भी बना दिया और हीरोइन भी मिल गई। वाह पल्ले पल्ले। मैं तो कहता हूँ विश यू वेरी वेरी हैप्पी लिविंग रिलेशनशिप। थैंक यू यार। ओए वीरे, लिविंग रिलेशनशिप दी मुबारकबाद कौन देता है? हाँ। क्योंकि अभी इनकी शादी तो हुई नहीं। हाँ। शादी के बाद तुम दोनों भूखों को ले जाकर बोलूंगा मुबारक हो तुमको शादी तुम्हारी। अरे तो क्या हुआ बोका, शादी नहीं हुआ भैया, गाना तो होना चाहिए लिविंग रिलेशनशिप में। उसके लिए भी गाना है। सुनाओ। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल,
मैं तुझे कबूल इस बात के हम तीनों गवाह हम विटनेस गवाह हम विटनेस गवाह क्या मस्त बात है ऐसी लाइफ होनी चाहिए हम लोगों की लाइफ है डेली सो एक्टर ये लाइफ है डे नाइट शूटिंग करते हैं पेमेंट का था पता नहीं घर आते गाली खा के सो जाते ऐसी लाइफ होती है दूर ओए मेरे प्रा तेरे पास तो डेली शॉप है यहाँ डेली भाड़े के कपड़े पहन पहन के ऑडिशन दे रहा हूँ ओए एक काम नहीं है दादा ये भी भाड़े पे है बॉडी न्यूड ड्रेस वाला सबको पैसे देना है उसको तुम लोगों के पास तो भाड़ा देने के लिए पैसे हैं हाँ। मालूम ये टी शर्ट मैं अपने पड़ोसी से मांग कर लाया हूँ जिसके घर पे मैं खुद भाड़े से रहता हूँ अबे ओ वार्नर ब्रदर्स मुंह मत सड़ाओ गिरिजी ने हम दोनों को लेके छह फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया है छह फिल्मों में अच्छे अच्छे रोल में तीनों को बिठा देता हूँ शुरू जाओ ओए भाभी जी तुसी ग्रेट हो ओए साडा प्रा मेरा भाई बोला अपनी लाइफ सेट कर देगा अरे यार अपने यार सेलिब्रेशन बनता है ये ओए साडा बी टाइम आएगा इसलिए इनका टाइम नहीं आ रहा है क्या अरे क्या सुपर भाभी बहुत खुश है तुमसे अब तुम्हारा शक्ल खत्म हो गया समझो अरे गिरी है गिरी यार को छोड़ दे और फोन कर ले यार अरे रिंग हो रही है ना फोन आया ओ गिरिजी का फोन है हेलो गिरिजी हाय प्रबल हाँ गुरुजी प्रणाम 100 साल की उम्र है अभी आपको याद कर रहे थे हाँ कल ऑफिस में आ जाना 6 बजे मतलब 6 लक्की आएगा हाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग है अरे वाह आ रहा सर हाँ वो प्यार है ना अपनी उसे फोन देना प्यार अरे वो चुड़ैल उसे देना फोन वो तो मेरे साथ यहाँ नहीं है अच्छा उस्तादों के साथ उस्तादी कर रहा है नॉटी जी सॉरी हाँ वो मेरे साथ ही है मेकअप कर रही ठीक है कल 6 बजे ऑफिस में पहुंच जाना बाय बाय प्यार गिरिजी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया नए प्रोजेक्ट के लिए प्यार यस अबे गिरी तुम्हें लगता है ये आएगा ऑफिस मुझ पर भरोसा नहीं है खुद तो नहीं है आएगा पक्का मैं आई कम इन गुरुजी अरे आइए आइए हाय जी ये हमारे हीरो प्रबल कुमार ये अच्छा। हमारी पीआर प्रोमिला आ जाओ भाई बैठो और ये हमारी पार्टनर दलाल हेलो सर आइए बैठिए बैठिए ना बैठ जाओ डार्लिंग आओ बैठिए बैठो देखो भाई हम बनाएंगे वेब सीरीज हाँ जिसमें होगा खुल के अंग प्रदर्शन अरे खून बहेगा लाशें बिछेंगी जूता बजेगा नंगा होगा नाच जिसे मांग रहा है आजकल पूरा समाज और नाम सुनोगे ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे पब्लिक चिल्ला पड़ेगी क्या हुआ रात में दर्द है यार चिल्लाओ मत कम चिल्लाए करो तो सुनो भाई नाम है फिल्म का गंदी जात हमारी वेब सीरीज का नाम है गंदी जात लेकिन पर हमारी बात तो फिल्मों की ना गुरु जी तो ये वेब सीरीज कहाँ से आ गई 90% वेब सीरीज मैं देखते रहता हूँ देखी भी नहीं जाती गंदी गंदी गालियाँ अस्से ज्यादा अश्लीलपन मतलब का वायलेंस डार्क लाइफ हमारी जो ऑडियंस है वो तो पूरी तरह से पारिवारिक है ये तो उनके साथ धोखा होगा अरे भाई बैबले हो गया टॉप एंड टॉप स्टार अपनी टॉप उतारो फिर रहे वेब सीरीज में खूब कमा रहे मजे ले रहे यू के बकरा गिरी हैं सर मैं नहीं कर सकता नहीं मैं नहीं कर सकता नो आप प्लीज आप एग्रीमेंट के हिसाब से चलिए अरे ठीक एग्रीमेंट हाँ फिल्म का हुआ था जी ये रहा तुम्हारा एग्रीमेंट इसका मैं कर देता हूँ एक्सीडेंट एग्रीमेंट 4 टुकड़े लो करियर बर्बाद कर लिया डफर अब तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे मतलब और किसी के साथ करने भी नहीं देंगे सर एनीवेज आपका वेब सीरीज आपको मुबारक हो क्योंकि मैं अपनी जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता नहीं मैं करूंगा ना प्रमिला को करने दूंगा चल प्रमिला
एक मिनट प्रमिला, अब क्या तुम भी इस चूजे की तरह चूजी हो गई हो? बोल बाबू बोल। अरे पूछने क्या जरूरत इसमें, प्रमिला बताओ। नहीं नहीं सर, आपने इसे तो एग्रीमेंट से बाहर कर दिया, पर प्लीज मुझे बाहर मत निकालिएगा। तुम्हें कोई अंग प्रदर्शन से ऑब्जेक्शन वगैरह? नो नो सर, मुझे कोई एतराज नहीं है, इनफैक्ट आई लव एक्सपो। कोई गालियों से परहेज? नो वे सर। सुन लिया मामू, पर तुम तो मेरा प्यार हो। प्यार नहीं, पी आर, प्रोमिला रॉय। और वैसे भी मेदनापुर से सगे रिश्तेदारों को छोड़ के मैं यहाँ प्यार मोहब्बत करने नहीं, बल्कि मुंबई अपना करियर बनाने आई हूँ। शादी करने या रिश्ते बनाने नहीं। और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा टाइम तो पास हो चुका। सुनो मेरी बात मानो। नो मोलेस्टेशन, वरना सीधे पुलिस स्टेशन। मीटू मीटू। और भैया उसके बाद आधी पब्लिक करेगी कैंडल मार्च और आधी पब्लिक करेगी सैंडल मार्च। ओ दलाल, इस मार्च के महीने में भी तुम्हें क्या क्या सूझ रहा है? अरे यार बस धोखे बाज। खुश रहो तुम सब के सब, बेहद होकर बेइज्जत होके। अरे वो गांव में कहावत है, समझदार के लिए इशारा और बच्चों के लिए गुब्बारा। अरे भाई हमें हमें प्रोड्यूसर गिल्ट में डालेगा पागल। आओ आओ तो सही, करियर बना दूंगा। झूठे प्यार को प्यार किया, तेरी हर बात पे जाने क्यों एतबार किया। तेरे झूठे प्यार को प्यार किया, तेरी हर बात पे जाने क्यों एतबार किया। क्यों ना समझी तू प्यार मेरा, दिल गया था मैं हार मेरा। क्यों ना समझी तू प्यार मेरा, दिल गया था मैं हार मेरा। मेरे प्यार को मार दिया है, तेरे झूठे प्यार को प्यार किया, तेरी हर बात पे जाने क्यों एतबार किया। एक आस लगाई थी तुझसे तूने की बेवफाई, क्यों मुझसे हाँ।
आस लगाई थी तुझसे तूने की बेवफाई, क्यों मुझसे मेरी जान जुदा हो कर भी मैं जी लूंगा, रो रो कर भी मैं, पर प्यार हमेशा दिल में रहेगा। यस बेबी, ये वही है ना प्रबल की गर्लफ्रेंड, उससे ब्रेकअप करके इसको ब्रेक दे दिया। आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, ये अच्छा है। ये आजकल की हीरोइनों का ना कोई भरोसा नहीं है। आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों किसी और के साथ, और जब फ्लॉप हो जाती है ना तब किसी मल्टी मिलेनियर के साथ बुड्ढे के साथ शादी कर लेती है। अगर वो पहले से शादीशुदा हो तो क्या उसका डिवोर्स करवा देती है? सही है यार, एक तो उसके इनकम, दूसरे दिन कम, कैरेक्टरलेस। एक्सक्यूज मी, माय फुट। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी ना डार्लिंग? नो डार्लिंग, आई लव यू। हेलो अब्दुल, भैया से पूछो यार जरा, बाहर कहीं जाना है क्या? और मेरी पगार के लिए भी बोल देना यार। अच्छा पूछ के बताता हूँ। करीब एक महीने पहले ही कोरोना वायरस का पता चला, जिसे अब औपचारिक तौर पर कोविड-19 नाम दिया गया है। इसकी चपेट में आने से अब तक 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये संख्या सदी के शुरुआती दशक में फैले सार्स वायरस से मारे गए लोगों से भी ज्यादा है। वो सार्स वायरस कोविड-19 जैसा ही था, जिसमें 774 लोगों की जान गई थी। कहीं जाना है? कहीं नहीं जाना। इसकी चपेट में आने से अब तक 1100 से ज्यादा भैया मौत हो चुकी है। ये संख्या सदी के विकास पगार के लिए बोला था। सार्स वायरस से मारे गए विश्व स्वास्थ्य संगठन में वायरस का पहला मामला 31 दिसंबर 2019 में दर्ज हुआ था, और इसके स्रोत की पहचान इस मछली बाजार के रूप में हुई थी। हेलो महेंद्र सर। हाँ प्रबल बोलो। आप ही किले से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। वो आपने फिल्म के बारे में कहा था ना, मैं करने को तैयार हूँ। गिरी जी के साथ मेरा एग्रीमेंट टूट गया। हाँ हाँ हाँ, मुझे फ़ोन आया था उसका, बता रहा था मुझे। कल ही मैंने साउथ के एक बड़े स्टार को साइन किया यार, सो सॉरी। हैदराबाद बात हुई है, एक महीने के बाद यूनिट जा रही है शूटिंग के लिए। नेक्स्ट फिल्म करते तुम्हारे साथ में। हाँ अपना ख्याल रखना, चल बाय। सर भैया राइट लेना या लेफ्ट? यू टर्न ले ले। ओ गॉड, कौन है? बॉयफ्रेंड होगा और कौन? नहीं रे, एक्स है। ये एक्स जो है ना, जितना हो सके इनसे दूर रहो, साला साया बन के पीछे ही पड़ जाते हैं भूतनी के। तुझे कैसे पता? मेरा तो रोज का काम है। ए, तुम दोनों जिस स्कूल में पढ़ती हो ना, वहाँ की प्रिंसिपल हूँ मैं। अरे पर फिर भी कोई चेप हो गया तो? वो तो होना ही है, हम हैं ही इतने हॉट। डोंट वरी, इसका परमानेंट इलाज है मेरे पास। जैसे कि? जैसे कोई चेप होने की कोशिश करे ना। हाँ हाँ, वन फॉर यू एंड वन फॉर यू। अच्छा जी ये बताओ, और क्या है तुम्हारे पर्सनल पिटारे में हमारे लिए? मेरे पिटारे में तुम दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज है, जो तुम दोनों का मुंह बंद कर देगी। जैसे? ये लो, लगा लो, और प्लीज अपना मुंह बंद रखो, कोरोना की सतीली तैयार। यस सर, आई एम रेडी। अब आ भी जा। ओके। अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। Yeah.
और क्या क्या खाने का क्या सामान है? अभी उधर मिले रहे केला और वही केला ले चले आए हैं। अब का है सामान? कुछ नहीं है। 10 रुपए केला है आपके पास? 10 केला ही वाला है और कुछ नहीं है। भैया कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, बाजार से लाना है। हाँ चले। वो पैसे चाहिए थे, ये ले। ठीक है भैया। और सुन, मास्क पहनना और दूर रहना सबसे। जी भैया। हमको घर जाना है, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमको नहीं रहना है यार। अम्मा का फोन आ रहा है, बाबू का फोन आ रहा है, हमको नहीं रहना है यहाँ पर। मन तो हमारा भी नहीं लग रहा है यार। एक काम करते हैं, भैया से कह के हम दोनों साथ में चलते हैं। तुम बोलो, हमको जाना है बस। क्या हो रहा? हाँ क्या बात हो रही? भैया वो ये घर जाने के लिए बोल रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर ना इंसान है ना इंसान की जात है, समझे? डंडे मार रही पुलिस, कैसे जाओगे? भैया वो सब हमको नहीं पता है, हमको घर वालों का याद आ रहा है, घर वालों को फोन भी आ रहा है। अरे घर वालों को समझाओ, समझाओ उनको। ये अभी हालात ठीक नहीं, जिंदा रहोगे तब पहुँचोगे ना। अबे ऐसे तो तुम्हारी लाश पहुँचेगी वहाँ पर। भैया हमको भी इसके साथ ही चले जाने दीजिए, हम दोनों एक ही जिले के हैं, गोंदा जिले के हैं। तो मैं बस यही सुनना बाकी रह गया था। अबे पगला गया हुका, कैसे जाओगे? ना ट्रेन चल रही ना बस, कैसे जाओगे सर के बल? भैया पैदल चले जाएंगे। हे भगवान, इन बेवकूफों को सद्बुद्धि देना। बाकी लोग भी तो जा रहे हैं भैया, हम लोग भी पीछे पीछे चले जाएंगे। पैदल? जी भैया, आपका भी तो काम नहीं चल रहा है ना भैया। हमारा मतलब नहीं था, मतलब हम कह रहे हैं कि आप भी तो परेशान ही है ना जी। रुको तुम लोग यहाँ, रुको रुको, आता हूँ। काम का काहे बोल दिया भैया को? तू भी पागल है यार, नहीं समझ में आया। निकल जाते ना गुपचुप हम लोग। भैया बेचारे, उनका दिल कितना दुखेगा मालूम है? इस महीने के रेंट के लिए और गाड़ी की EMI के लिए पैसे रखे थे। खैर तुमको बोला था यार, अपने को समझते नहीं हो। ये लो। शुक्रिया भैया। भैया आपका उपकार है भैया, पाव लागू। हम गांव जाके फोन करेंगे भैया। धन्यवाद भैया। नमस्ते भैया। अबे सुनो। जी भैया। लिफ्ट से जाना? जी नहीं भैया, वो लिफ्ट को छूने से भी कोरोना होता है। अच्छा, बड़ी फिक्र है खुद की, ऐसा ही ध्यान रखना रास्ते में। आप माने भैया। जी भैया चलते हैं, संभल के जाओ। परसों रहे मजदूरों को मालगाड़ी ने कुचल दिया। सभी को मध्य प्रदेश जाना था और सभी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे थे। इसी दौरान थकान होने से वे रेलवे ट्रैक पर ही सो गए। पता करता हूं के साथ अचानक पहुंचे पैदल क्यों सभी को रौन दिया। अरे उठा ले यार, उठा ले यार। मकान मालिक का कॉल। हेलो नाग जी। हाँ बीरबल जी। अरे प्रबल जी, पिछले महीने का तुमने रेंट नहीं भेजा, 10 दिन वैसे ही लेट हो, आपको बार बार बोलना पड़ता है आप रेंट भेजिए। कैसे थे आप तो देख ही रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ काम धंधा ठप पड़ा हुआ है, समझ रहे ना आप, मैं क्या कहूँ, थोड़ा वक्त दीजिए। हैं? नहीं 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 नहीं, कोई वक्त नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा भाड़ा मेरे टाइम पे आना चाहिए, और नहीं तो मैं निकाल दूंगा मकान से, समझे? देखिए नाग जी, गवर्नमेंट भी अभी हेल्प कर रही है सबको, सारे किरायेदारों को, आप भी संभालिए ना प्लीज। क्या कहा? गवर्नमेंट हेल्प कर रही है तो गवर्नमेंट की हेल्प लो, हमारा कमरा खाली करो और गवर्नमेंट के रूम में जाकर रहो, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहो, किराया भेज दो, समझे? हैं? सुनी आप कौन है भाई जी? हमें डराइए ना, बताइए आप कौन है? अपनी इकलौती धर्म पत्नी को नहीं पहचानते? अरे इकलौती पत्नी है, आप तो थी मोम की गुड़िया और ये क्या बना लिया है हुलिया? अरे ये PPE किट है कोरोना वायरस से बचने के लिए, एक आपके लिए भी मंगवा दूं और बच्चों के लिए भी मंगवा दूं सोच रही हूँ।
हाँ हाँ, मुझे भी पहनाओ, बच्चों को भी पहनाओ, आप भी पहनो, ताकि हम सब लगे एलियंस और पूरा माहौल हमारा घर लगे मंगल ग्रह और सारी बस्ती के लोग मिलकर गाएं मंगल 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 हट। इतने जंगल झाड़ है, कोरोना से पहले तो जानवर खा लेगा हमको यार। भाई जंगल से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई तो देख ही लेगा अपने को। देख लिया है, बाबा की नजर से कैसे बचोगे? ओम नमः शिवाय। बाबा काहे परेशान कर रहे हो कोरोना में? क्या गटर नाले में जा रहे हो, कोने में जा रहे हो? लाओ तुम्हारा हाथ, हम तुम्हारा भविष्य बताते हैं। सबका भविष्य बताते हो? लाइए जरा हाथ दिखाइए और गुरु दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा तो बनती है आपकी। अब्दुल बाबू उठाओ बाबू, अभी देते हैं। अरे तो इतना बड़ा भविष्य वक्ता है तो पहले पहले का ही नहीं बताया कि कोरोना आने वाला है। अरे खोल दे खोपड़िया एक। अरे भाई ठहरो 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 बोल। अरे हम कोई नजमी ज्योतिषी नहीं है भैया, अरे हम तो छोटे से कलाकार हैं। कोरोना की वजह से हमारा स्टेज वगैरह सब बंद हो गया, खाने के वांदे हो गए, तो हम सोचे कहीं बाबा बनके अपना पेट तो पालें, उसके बाद तो हम बाबा बनके भटक रहे हैं। भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई भैया। अरे दादा, अरे 150 का नोट हो तो दो इनको। हाँ, 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 कपड़ा सैनिटाइज किया था ना तुमने? दूर से, दूर से। हाँ, अरे भाई और एक चीज का ध्यान रखना। जी जी, साधु संत का कपड़ा पहन के साधु संत का मजाक नहीं उड़ाना, करना पड़ता है पेट भरने के लिए। छोड़ेगा नहीं तुमको? मतलब भगवान। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं भैया, अभी हम आज के बाद मजाक, आज हम कसम खा लेते हैं भैया, ज्योतिष वोतिष गए झोले में। अरे भैया हम तो तुमको मान रहे हैं। अरे जय हो कोरोना माई की, कि तुम लोगों ने हमें प्रसाद दे दिया भैया, हम जाते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ तो मिस्टर नागेश्वर, ये लॉकडाउन के वक्त में आपने अर्जेंटली हम सब पत्रकारों को बुलाया है, कुछ खास वजह? भाई हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, शुगर डैडी है ये। हाँ तो कौन सा ट्रस्ट है? जैसे कि सैकड़ों गरीबों को 3 महीने का राशन घर तक पहुंचाया, सैकड़ों भूखों को खाना खिलाया, कहा था ना घर घर जाकर मास्क और सैनिटाइजर बांटे। आप ही बताइए आखिर कब तक ये रियल हीरो रियल हीरो बनते रहेंगे? हम लोगों को भी चांस मिलना चाहिए ना, इसलिए तो हमने कभी कभी भाई कैश यानी कि नगद भी बांटे हैं। कब बांटे? आप तो चुप रहिए, मुर्दे का कफन बेच के खाने वाला दान धर्म की बात कर रहा है। हमारे ससुराल में इन लोगों का सरनेम गुप्ता है, इसलिए ये लोग गुप्त दान में विश्वास करते हैं। इन लोगों का मानना है कि सीधे हाथ से दो तो डेरे हाथ को मालूम हाँ। ना पड़े। हाँ। पागल और ये पत्रकार हैं हाँ? किसी खां से नहीं डरते, ये लोग मानेंगे थोड़ी। ये तो यहाँ से जाएंगे और न्यूज में दिखा कर रहेंगे, अखबारों में छपवा कर रहेंगे, रेडियो में सुनवा कर रहेंगे और सोशल मीडिया में वायरल करके रहेंगे। हा? आप कुछ मंगवाने वाले थे? अरे शांता भाई, इनको चाय और नाश्ता जरूर करवा देना। पहले मेरा 2 महीने का पगार तो दे जनाब, थोड़ा बहुत कैश भी करा देना। शांता भाई थोड़ा सा पैक भी कर देना अगर बच जाए तो। मैं और मेरी फैमिली यहाँ भूखी मर रही है और ये हलकट सबके सामने पेट भर भर के झूठ बोल रहे हैं। अब चारों तरफ हल्ला ही हल्ला होगा, अब गवर्नमेंट हमारी संस्था को ग्रांट जरूर देगी। इनकम टैक्स दे के थक गया था, आउट गोइंग अब तैयार हो जाओ, इनकमिंग। ये तो जादू हो गया। तो मैं गायब, ये भी गायब। बेल हो गई। ए एक्टर नल्ले हीरो, बहुत हो गई तेरी एक्टिंग। कौन बोल रहा भैया? भैया अबे किश्तों के चक्कर में रिश्ता जोड़ रहा है तू? मतलब किश्तों पे मुकर रहा है? अबे किश्तों मुखर्जी, भूल गया। फिल्म लाइन के नाम पे बैंक वालों से बोला था प्लीज गिव मी लोन, और अभी जब लोन हो गया तो लुखे आग दिखाकर बोल रहा है लिव मी अलोन।
अबे भिखारी, भिखारी का झांसा दे रहा है। सुन, तेरा केस बैंक ने अपुन को दिया है, समझा क्या? रिकवरी के लिए। तो कब आऊं तेरे को तेरी गाड़ी में उठाने के लिए? भाई साहब, आपको पता ही है काम हम चल नहीं रहा, देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, प्लीज समझिए। बे भाड़ में क्या तेरा लॉकडाउन? अपुन को मंगता है आने वाले मंथ में तेरा पेमेंट 1 लाख डाउन। फिफ्टी फिफ्टी। हाँ हाँ, चल। मजा आ गया भाई, मान गया आपको। बड़े वाले हैं आप। गुड़िया का फोन। हेलो। हेलो गुड़िया, क्या हुआ? भैया भैया, माँ की बहुत तबीयत खराब है रात से। क्या हुआ माँ को? उनको बहुत तेज बुखार है और उनकी खांसी नहीं रुक रही। मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि उनको कोरोना हो गया। भैया माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है। भैया माँ के बहुत सारे चेकअप कराने पड़ेंगे, 40-50 हजार भेज दो। हाँ करता हूँ, तू रोना बंद कर पहले। हाँ, अपना ख्याल रख और माँ का भी। देखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? प्लीज डॉक्टर, मेरी माँ को ठीक कर दो। आप भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन न लो। 40-50 हजार। अरे अरे, सुबह सुबह किसका फोन आ गया? पूजा भी ठीक से नहीं करने देते हैं। प्रबल, इतनी सुबह सुबह? हेलो राजीव। यार सुन, मुझे अर्जेंट 50 हजार की जरूरत है, तेरे पास है क्या? जरा देना मुझे। प्रबल, तुम्हें तो मालूम है ना यार, कोरोना की सबसे बड़ी मार हम कलाकारों पे पड़ी है। कितने दिनों से घर पे खाली बैठे हैं, दूर दूर तक काम की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे तो हम लोगों को 100 दिन के बाद पैसे मिल जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि अब जल्दी हमारे पास काम और पैसे आएंगे। मुझे तो डर है, जिस क्राइम सीरियल में हम दूसरों की दुर्घटनाओं पर एपिसोड बनाते हैं, कहीं इस लॉकडाउन के बाद हमारी ही दुर्घटनाओं पर नया एपिसोड बनने लगे। प्रबल, फिलहाल तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुद पूजा पाठ कर रहा हूँ। हे प्रभु, जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो और सबका काम काज शुरू हो। मैं शर्मिंदा हूँ यार। हेलो। अरे अजीब आदमी है यार, रेंट के नाम पे पेरेंट याद आ गए। अबे पैसे तुझे देना है, मुझे नहीं, पैसे उल्टा हमसे मांग रहा है। नहीं सर, मुझे अर्जेंट है, मेरी बात सुनो। अबे क्या सस्ता नशा कर रहे हो क्या? सर के बल गिर गए क्या? मानसिक स्थिति ठीक होगी तो बेटा परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। चल रहा कब? यार इसकी गांजे की शक्ल ने ना मेरी अकल को भ्रष्ट कर दिया है। अरे चाय, शांति लाओ। अरे अरे शांति, चाय लाओ। अरे गिरी, फोन उठा ले यार, बज रहा है। चूजे का ही फोन है। तुम मेरे फोन पे क्यों थूक रहे हो? नहीं, अरे दारू थूकी यार, सैनिटाइज हो गया, देख कवर लगाया वैसे भी। अरे
यार ये कौन है जो लॉकडाउन में ओवरटाइम कर रहा है? अरे यार सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। हेलो हेलो यादव जी। हाँ बोलिए प्रबल साहब। मुझे मेरे सारे अवार्ड बेचने हैं, तकलीफ में हूँ। अरे प्रबल साहब आज के टाइम में कौन तकलीफ में नहीं है? क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? बदले में मुझे 50,000 चाहिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है। माँ प्रबल साहब आप एक छोटा सा काम कर दीजिए जिससे आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। आप ना एक ना वीडियो बनाए। हाँ भेज दूंगा मैं। और उसमें सिर्फ आपको इतना कहना है कि आपको ये अवार्ड्स मिले नहीं है बल्कि खरीदे हैं। क्या कह रहे हैं यादव जी आप? अरे आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि सारे अवार्ड मुझे मुझे मेरे मेहनत की वजह से मिले। आप इस बात के गवाह हैं। इस बात को मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, दुनिया थोड़ी ना जानती है। और वैसे भी प्रबल साहब आप तो जानते हैं आजकल का माहौल कैसा है, लॉकडाउन का वक्त है, चारों तरफ सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, कोई भी सनसनी खबर हमारे पास नहीं है। तुम मुझे सनसनी खबर दो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा प्रबल साहब। देखिए यादव जी आप सर मेरी बातों को सुनिए। देखिए आप हाँ करते हैं या मैं ना करूं? अरे नहीं नहीं ना मत करिए। ठीक मैं करूंगा लेकिन एक शर्त है, पैसे 50,000 पहले अकाउंट में भेज दीजिए मेरे। अरे प्रबल साहब आप तो जानते ही हैं, बिल्कुल अभी लीजिए, होल्ड कीजिए। हाँ। ला 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 50,000। प्रबल साहब मोबाइल उठाइए और जरा चेक कीजिए। हमने अपने वादे के अनुसार पूरे 50,000 रुपए आपके अकाउंट में भेज दिए। शुक्रिया। देखिए शुक्रिया से काम नहीं चलता, अब जल्दी से प्यारी सी वीडियो बनाइए। आपको पता है ना उसमें क्या क्या करना है? बस अब इंतजार रहेगा प्रबल साहब। यस हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्रबल कुमार सरल जी। आप मुझे मानते हैं ना कि मैं बेस्ट एक्टर हूं, मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले होंगे, रिवॉर्ड मिले होंगे। झूठ है, ये सारे अवार्ड जो आप देख रहे हैं ये मैंने खरीदे हैं, पैसे देके खरीदे। आप बाहर जाके बात करो प्लीज। भैया हेलो। भैया कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, और तू कैसी है? भैया मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और माँ कैसी है? भैया डॉक्टर साहब ने बोल दिया माँ बिल्कुल खतरे से बाहर है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई। अपना ख्याल रखना, किसी बात का टेंशन मत लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी फोन करना, ठीक है? जी भैया आप भी अपना ख्याल रखना। प्रबल कुमार सरल, ना तू प्रबल है ना तू सरल है, तेरी काली करतूत वीडियो के रूप में मेरे और पब्लिक के सामने है। ये नॉन टैलेंटेड शख्स जिसको मैं स्ट्रगल टाइम से जानता हूँ, ये जिस जगह पर भी जाता है, जिस सेट पे भी जाता है, जिस सम्मान समारोह में जाए या फिर किसी अवार्ड फंक्शन में जाए, ये प्रबल कुमार सरल अवार्ड खरीदता है। इसने एक नहीं सैकड़ों अवार्ड खरीदे हैं, और तो और इसने जो पहली फिल्म बनाई थी उसमें पैसे भी खुद ही लगाए थे, पता नहीं वो पैसे कहां से आए थे। और जब वो फिल्म हिट हो गई तो हिट होने के बाद इस प्रबल कुमार सरल ने अपनी घटिया करतूतें दिखाना शुरू कर दी। एक महान शख्सियत जिनका नाम है गिरी उनको आग दिखाना शुरू कर दिया, जिनकी वजह से ये नॉन टैलेंटेड फिल्मी कलाकार नोवेयर से समवेयर हुआ और समवेयर से एवरीवेयर हुआ। देखो किसको दिए मकान, किसको दिलवाई हो, वाट लगा दिया मकान की भी और दिमाग की भी। मन तो कर रहा है ना कि इसमें अंदर घुस के इसके मुंह पे मारो और इसके पूरे 64 दांत गिरा डालो। 64 दांत तो 32 होते हैं। अरे 32 तुम्हारे भी गिन लिया था।
लेकिन ये स्ट्रगलर आर्टिस्ट के नाम पर बदनुमा दाग हैं, जिसने बड़े प्रोड्यूसर जिनका नाम है गिरी उनके साथ बदतमीजी की और अपनी औकात दिखाई। वो कहते हैं ना कि जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे प्रबल कुमार सरल को तरक्की हजम नहीं हुई। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि अल्लाह मेहरबान तो नल्ला पहलवान। और अंदर की खबर हम आपको बताएं इस कुत्ते के बारे में, और यही वो शख्स है जिसने इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म को बढ़ावा दिया है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं। और सुन प्रबल कुमार, तू एक नंबर का झूठा है, मक्कार है। तू क्या समझता है इस जमाने में कलाकार नहीं मिलते? अरे वो दिन लद गया जब एक रुपए में एक कलाकार आता था, आज चार आने में चार कलाकार आते हैं। और देखना तू आने वाले टाइम में बावली में एक नहीं पूरे 50,000 कलाकार मिलेंगे। दोस्तों मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है, आप सिर्फ आप ही वो शख्स हैं जो मेरे दिल की मुराद पूरी कर सकते हैं। इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, समाज को बताइए कि प्रबल कुमार एक नंबर का लुक्खा है, इसका खानदान भी लुक्खा है, ये जानवर है, ये अश्लील है, ये नामुराद है, ये शराबी है, ये घटिया इंसान है। दोस्तों मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूँ हाथ जोड़कर कि मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि ये प्रबल कुमार चोर है, एहसान फरामोश है, जिसने गिरी को आंखें दिखाई थी। पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक इस शैतान पर, इंसान नुमा टुच्चे पर थूकता है। और इसी तरह से मैं आपका गुलाम हर नकली कलाकार का नकाब उतारता रहूंगा। नमस्कार। वचन दिया, सोचा नहीं होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कर मूर्ख जीवन के हर काम। मैं लंकेश, मैं रावण, मैं दशानंद सर्वशक्तिमान, तिश्चा फॉर कांटो हाय सड़ो मी योगक्षम वहां में हम तमसो मा ज्योतिर्गमय डाक सुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे Yes, मैंने कहा था ना किरण, ये वीडियो वायरल होगा, पूरी दुनिया में इसने तहलका मचा दिया है। You are always right, sir. और देखना तू आने वाले टाइम में सारे अवार्ड जॉब देख एक नहीं पूरे 50,000 कलाकार मिलेंगे। क्या दोस्त दुश्मन भगवान, सब एक इंसान के पीछे पड़ गए, क्यों? इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा भगवान। इंसान की फितरत तो समझ में आ गई कि वो बुराई के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान, चार दीवारी में मैं पंछी की तरह तड़प रहा हूं, मैं छटपटा रहा हूं, डिप्रेशन से गुजर रहा हूं, इतना लाचार हो गया हूं कि कुछ कर नहीं पा रहा हूं। प्यार भी छोड़ के चली गई, काम भी हाथ से चला गया, कर्जदार हो गया हूं मैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया हूं। मेरे पास मां के इलाज तक की हैसियत नहीं है मेरी। क्यों दी है ये सजा, क्यों? क्या कसूर है मेरा? जवाब दे। तुझे जवाब देना पड़ेगा, जवाब तुझे देना पड़ेगा। मैं तुझसे जवाब लेके रहूंगा। अगर तूने आज यहां जवाब नहीं दिया ना, तो मैं तेरे पास आके जवाब मांगूंगा। मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, विश्वास नहीं हो रहा ना? रुक, मैं तेरे पास ही आ रहा हूं। Thank you.
भगवान कहाँ है? लगता है यमराज कुत्ता हो गया। अरे बाबा, मेरी शक्ल यमराज जैसी है, पर यमराज मैं नहीं हूँ। और तुम जिंदगी तो एबीसी के बदले एक्स वाई जेड करने जा रहे थे। आप पानी कहाँ? अरे मेरा जो कितना बुरा था कि बहुत बेहोश हो गया। पानी 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 मापा मापा पापा पानी 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 मापा मापा पापा मापा दी सारे मापा उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। अरे हम है वो महान इंसान जिसने अभी बचाई तुम्हारी जान। अरे यार जमाने का तो शराफत नहीं रहा। यहाँ क्यों आए? चोरी करने आया था ना बाबा खिड़की से। तुझे मेरा ही घर मिला था चोरी करने के लिए। अरे ये जो लॉकडाउन चल रहा है ना, इसमें सब लोग अभी घर पे बैठे हैं ना, चारों तरफ सबके घर में गर्दी है गर्दी। एक तुम्हारा ही घर सुनसान था, सोचा कि चोरी कर लूं, लेकिन जम के दिमाग खराब हुआ। तेरा घर सुनसान के साथ साथ शमशान भी है ना। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर के चूहे भी कीड़े मकोड़े भी बाहर जाके खाना खाते हैं। अरे कमाले बाबा, राजा घर पे आए हो, मेहमान से कोई ऐसा बात करता क्या? मेहमान? हाँ। अबे तू कहाँ से मेहमान हो गया बे? माना कि जरूर माना, लेकिन एक तो तुम्हारे घर पे आया, ऊपर से तुम्हारी जान बचाई। वो बोलते हैं ना अतिथि भव देव, मैं तो वही हूँ ना, और जान बचाने वाला भगवान तो वैसे ही होता है। अब तू मान या ना मान, मैं तेरा भगवान। भगवान से ऐसे बात मत करना, शराब देते हैं। अच्छे से बात कर भगवान से, हमीद से। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तेरा फायदा ही फायदा होगा ना भाऊ। तेरे को हैंगिंग गार्डन लेके चलता हूँ। आजा आजा, ये है सोफा, तुम हो सेठ, सोफे पे बैठो या सो जाओ सेठ। अरे ये तो वही कहावत हो गई, अंधेरा तले चिराग। अरे लाइट का बटन नहीं दिख रहा ना, ये देखो अंधेरे में छुपा हुआ है। अरे तुम्हारा वर्तमान तो अंधेरे में, भविष्य भी अंधेरे में करना है क्या? अरे जिंदगी को इतना लाइटली मत लो। लुट गया मैं तो, ये मैं क्या देख रहा हूँ बाबा? सरल कुमार प्रबल, अरे देवा मरता क्या मैं? नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे बाप रे, आप तो वही हो ना सरल कुमार प्रबल, लाइव हमरे झंड बाके हीरो। बापा रे बापा, अरे बाप रे, ये तो वही बात हो गई, सपना पूरा हो गया, ड्रीम कम्स ट्रू। अरे बहुत बड़ा फैन हूँ। ये फैन कैसा फैन है तू? हाँ फैन है कि कफन है? हाँ अपने आइडल को लटका के रखते हैं, इसके लिए जो भगवान ने तुमको लटका के रखा है, ना धरती पे ना आसमान पे, बीच में लटकते रहो तुम लोग, फू तुम्हारी जिंदगी पे। वैसे एक बात बताओ भाऊ, देखो बुरा मत मानना, ये आपके फिल्म लाइन में मैंने सुना है कि आदमी जब हिट होता है, सुपरहिट होता है, तो उसको एक दो व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। एक सेक्रेटरी की, दूसरा साइकेट्रिस्ट की, और मेरी शक्ल जो है ना वो साइकेट्रिस्ट की तरह है और अकल सेक्रेटरी की तरह है। तो मेरे को रख लो ना अपने काम के लिए भाऊ। देखो क्या है, मैं फटेहाल हो सकता हूँ, फटेहाल नहीं, मेहरबानी करो ना बाबा। ऐसा कैसे कर रहे बाबा, मेरे को काम पे रख लो ना बाबा। क्या काम करेगा? मैं आपका हर काम करूंगा ना, झाड़ू बर्तन घर का खाना बनाना। पक्का हुआ है तू? बहुत बड़ा पका हूँ मैं, वो आपकी फिल्म है ना लाइफ हमारी झंडवा, 40 बार देखी मैंने नागपुर में विजय टैकिज में, वो स्टोरी है ना, एकदम मेरे लाइफ से मिलती जुलती स्टोरी है। कहाँ है मेरा पेन? हाय रे मेरी बदकिस्मती, पेन नहीं, वरना इनका ऑटोग्राफ ले लेता, मोबाइल में लाना भूल गया, नहीं तो फोटो लेके ना मैं एबी पे डाल देता और बोलता हैंगिंग विद हैंग वाला मामला निकाल दो। सिटिंग विद माय एक्टिंग आइडल। अरे बाप रे, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं? असल में क्या है ना साहब, मैं आपका इतना बड़ा फैन इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा एक्टर हूँ। बड़ा काम अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए छोटा मोटा काम करते रहता हूँ। कौन सा काम? चोरी। चोरी? इसको तो काम कहता है। नौरंगी मेरा नाम, चोरी मेरा काम। और गांव? गांव भंडारा शहर। भंडारा? भंडारा शहर ये कहाँ है? प्रीतमपुरा, वहाँ हनुमानपुरा मंदिर है, उसमें शिवजी के मंदिर के पीछे, भंडारा विदर्भ में, एक स्टार छुपा है उसके गर्भ में। उधर क्या है ना, मेरा ऐसा अच्छा। नुक्कड़ नाटक चलता रहता है साहब, लोग बहुत पसंद करते हैं। नुक्कड़ नाटक इंग्लिश में स्ट्रीट प्ले, हिंदी हिंदी में पथनाट्य। अच्छा एक्टर हो? अरे काहे की एक्टर बाबा,
तुम्हारे ये तुम्हारे पैरों की धूल भी नहीं, जो बोल दिया वो डायलॉग, जो कर दी वो एक्टिंग। बस चलो बहुत हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर से जा। अरे कैसा कर रहे बाबा, इतनी रात को बाहर निकलता कोई? अतिथि देव भव भगवान है ना, मैं अभी मेरे को बाहर निकालेंगे, इतनी रात को लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस वाले गली गली में डंडे लेके घूम रहे हैं ना, वो दिखाएंगे ऐसा फंडा, मेरे को मार मार के कर देंगे ठंडा। रहम करो ना भाव, मैं आपका फैन हूँ ना। अरे भाव इतना बड़ा घर है, रहने दो किसी कोने में, तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, डोमेस्टिक हेल्पर बन जाऊंगा, खाना बना दूंगा, खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ मैं, बहुत अच्छा पकाऊं। मेरे पे पहले से बहुत कर्जा है, देख पकाओ। अरे यार ये कर्जा किस पे नहीं है भाऊ, ये मालिया सर पर भी है और नीरव साहब के सर पर भी है। सबकी हालत एक जैसी है, इस लॉकडाउन में बड़े बड़े स्टार घर पे बैठे, मैंने सुना बच्चन साहब भी घर पर बैठे। ये तो वही बात होगी ना, दर्शन बड़े नाम छोटे। फिर भी भाऊ आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। वैसे आप अकेले रहते हो ना, मैं आपका ए टू जेड मनोरंजन कर दूंगा। ए टू जेड वो कैसे करेगा? हाँ मेरे को नाचना भी आता, मेरे को गाना भी आता, मेरे को मिमिक्री भी आती, मेरे को कॉमेडी भी आती, नमूना देखना है क्या? मेरे मॉडल पेश कर रहा हूँ, जमूरे शुरू हो जा। अच्छी गो कोरोना, जियो कोरोना, गो कोरोना, जियो कोरोना। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना थोना, 40 बार ने अमजी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक, गो बैक कोरोना। हाय बंद हो गया सिनेमा हॉल, लॉक हो गया शॉपिंग मॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में, हैंड सैनिटाइजर दैट्स ऑल, पूछो शेयर मार्केट को, हाय 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 हाय, पूछो सेंसेक्स मार्केट को, तूने कर दिया है बौना, गो 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 कोरोना, गो 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 कोरोना, गो कोरोना, गो बाय गो बाय कोरोना। ए फॉर आत्मनिर्भर, बी फॉर बी नेगेटिव, C for COVID-19, and D for distancing, E for e-ticket, F for farm city, Z for green zone, TH for head wash, I for isolation, J for jobless janta, K for kadwa, kala, L for lockdown, M for mask, mask, N for N95, O for orange zone, ow, for pandemic, Q for quarantine, R for red zone, S for sanitizer, T for tali khali, U for unlock, V for virus vaccine, W for WHO, X for x-ray sir, Y for year 2020 year, Z for zoom call, that's all, corona G, covid G, kab jayega tu baba? चमगादड़ सो पी जाए, सांप बिच्छू को तो या, कच्चा ही गटक जाए, फिर जिंदा क्यों हो चाइनीज। सुन लो जार मन हो सो, जाके कहीं मरो ना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक, गो बैक कोरोना। अरे अरे जिससे मैं हुआ था इंस्पायर, वो होते होते बचा एक्सपायर। नन्हे मुन्ने तारे गोल गुलाबी सारे, सपनों में तू खो जा, सो जा बेटा सो जा। देख रहा हूँ ना बाबा कि आप जैसे फिल्म एक्टर सोते तो कैसे लगते, अरे भलती हैंडसम लग रहे ना तुम।
क्यों परेशान कर रहा है? मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, सर दर्द कर रहा है। अरे भाव, तुम इतना टेंशन में रहेंगे ना तो तुम्हारी वजह से ये जो मेट्रो ट्रेन है ना, इसका हर स्टेशन का अनाउंसमेंट बदलना पड़ेगा। वो क्या? यही, अगला स्टेशन फ्रस्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन फ्रस्टेशन, पूरे स्टेशन फ्रस्टेशन, ऐसा करना पड़ेगा ना। घर में राशन खत्म हो गया है, यही सोच के तुम्हारा दिल रो गया है ना। एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है, ऊपर से घर में राशन खत्म हो गया, भूखे मरने की नौबत आ गई, अब बहुत टेंशन। ये तो वही बात हो गई। अरे बगल में ढिंडोरा, शहर में छोरा, मैं लाता हूँ ना। हाँ, कैसे? चोरी से। चोरी मेरा काम। अरे मैं सब चोर रास्ते जानता हूँ ना। घपाक से गयो, छपाक से आयो। अबे तू चोरी करेगा, चोरी का राशन मुझे खिलाएगा, पाप लगा कर मुझ पे, निकल पापी। हाँ ये तो है चोरी, आई एम सॉरी, रियली आई एम सॉरी। एक रास्ता है मेरे पास, मैं अभी राशन चोरी से लाता हूँ। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा ना, तो जाके दुकानदार को किसी ना किसी बहाने से दे देने का। इससे क्या है, तुम्हारा जमीर भी जिंदा रहेगा और वो किराने वाला अमीर भी जिंदा रहेगा। हैं, कैसा लगा मेरा आइडिया? यार तू लेकिन 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 कोई और रास्ता है क्या जनाब के पास? भाऊ बोलो। जा चल ले आ, अब आया ना पहाड़ ऊंट के नीचे। अब आप आ जाओ चादर के नीचे, मैं राशन लेने जाता हूँ दादर के नीचे। चुप, जा रहा बाबा, कितना चिढ़ते हैं बड़े लोग बात बात पे। ब्रेकिंग न्यूज, लंबे अंतराल के बाद मजदूरों की उमड़ी भीड़ स्टेशन पे। आज रवाना करेंगे सोनू सूद सभी मजदूरों को अपने अपने घरों को, छलके मजदूरों के आंसू। कभी किसी को चिल्लर नहीं समझना भाव, हाँ बंदा काम कर गया तुम्हारा मैं। ये राशन, ये सब्जी, हाँ बिल है, ये तुम्हारा किराने का एड्रेस बिल, वाह ये वो तुम्हारा सब्जी का एड्रेस और बिल, और ये ये काहे का? बताता ना बाबा, बताता ना जल्दबाजी कैसा कर रहे। ये इसका, ये किस खुशी में, ये किसके लिए? भावनाओं को समझो ना बाबा, आपका बर्थडे है ना। हाँ हाँ, 12 बजे के बाद मेरा जन्मदिन है। तुझे अरे वो फैन पे थू है जो अपने आइडल का बर्थडे भूल जाए। वो फैन नहीं, वो एग्जॉस्ट फैन है। वो बोलते है ना आंगन ना जाने नाचते डा। सब कुछ स्पेशल होने वाला है। हाँ और क्या है, क्योंकि नौरंगी के साथ है। मालूम है मेरे को 12 बजे के बाद है, कल है, लेकिन अभी से तैयारी करके रखेंगे तो किधर ढूंढा ढूंढे नहीं करनी पड़ेंगी। वो क्या है ना, भरोसे का पानी भैंस में नहीं जाना चाहिए। क्या बात है यार, नौरंगी क्या बात है, मजा आएगा ना। तो सतरंगी तो अतरंगी है। सुपर। हेलो गुड़िया। हैप्पी बर्थडे भैया। अरे गुड़िया, थैंक यू गुड़िया। भैया आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया। अरे वाह, माँ कैसी है? भैया माँ को ना होश आ गया है, माँ 3-4 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी। थैंक गॉड। ठीक है गुड़िया, अपना ध्यान रख और माँ का भी। ओके ओके भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर। ओके गुड़िया। ओके भैया, बाय बाय। अरे बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे अवतरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं ना भाऊ। पानी नहीं, पानी नहीं। क्यों? एकदम नीट बनाओ ना भाऊ, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश सेवा में मेरी तरफ से कुछ चुक हो। नीट्स दारू और देश सेवा कैसे? अरे बाबा, जितना दारू हम पियेंगे उतना सरकार को फायदा होगा।
इकोनॉमी आगे बढ़ेंगे ना, इकोनॉमी बढ़ाओ, नीट भरो, मत डरो, भरो भरो सरकार। ये थैंक यू। इस बार तो मुझे भी पीने का मजा आ रहा है। थैंक यू नौरंगी, आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तेरी वजह से। रियली तू नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। थैंक्स। वन टू थ्री। ये क्या? अरे बाबा, अपने लिए पीना भी एक पूजा है, जैसे तुम्हारा कैसे राम नवमी, कृष्ण नवमी, वैसे हमारा एक नवमी। एक नवमी भाऊ, एक बात पूछू क्या? हाँ। आप तो मोटिवेशनल स्पीकर थे ना, तो अचानक लोगों को ज्ञान देते देते खुद की जान देने तक कैसे पहुंचे? यार जो आदमी सुसाइड के लिए सोचता है ना, वो साला एकदम ब्लैंक हो जाता है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता। फिलोसोफर हो, एक्टर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो या फटीचर हो, सिर्फ वही एक पल डिसाइड करता है कि वो आत्महत्या करेगा या नहीं, या तो लटकने के लिए उसे फंदा मिलेगा, या बचाने वाला तेरे जैसा मजबूत कंधा मिलेगा। भाव एक बार ना मेरे मन में भी ख्याल आया, हाँ, अपने आप को ख़त्म करने का। क्या फायदा ऐसे दुनिया में रह के जहाँ लोग आत्मा की हत्या करके जी रहे, वहाँ तो आत्महत्या ठीक है, सुसाइड की सोसाइटी है। जिस दुनिया में आदमी खुद की खुशी से नहीं जी सकता, वो दुनिया में खुदकुशी ठीक है ना भाऊ? एक दिन यही सब सोच के निकल पड़ा मैं रेलवे पटरी पे, ये सोच के कि जिंदगी इस पटरी पे नहीं आई तो क्या हुआ, मौत तो पटरी पे आएंगी। फिर मेरे सामने से ट्रेन आई, आती जा रही आती जा रही, जैसे वो मेरे करीब आई ना भाऊ, मेरे को ट्रेन में मेरी माँ की तस्वीर नजर आई, मेरी आत्मा कांप गई। मैंने कहा भाड़ में गया सुसाइड, और मैंने तुरंत किया डिसाइड मैं हो गया साइड। और मैंने फिर सोचा कि ये जो मौत है ये तो भगवान की तरफ से एक दिन मुझे मिलना ही है ना, और मिलने वाली चीज को प्राप्त करने की कोशिश करने से बड़ी मूर्खता कोई दूसरी हो सकती है क्या भाव? बोलो ना। एक रुपया गुनाओ। क्यों नहीं, इस बार भी नीट ना? हाँ एकदम नीट। इकोनॉमी? हाँ इस बार इकोनॉमी नहीं, फिर इस बार सेव वाटर। अच्छा सेव वाटर। हाँ पानी बचाओ। अरे मेरे बाटली पुत्र, बस 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 बस। ये पीने खाने वाला है। हाँ तो भाऊ। हाँ बोल। मैं क्या बोल रहा था, आत्महत्या ना ये बहुत बड़ा कलंक है जो आत्महत्या करने वाले के परिवार पे जिंदगी भर के लिए ऐसा बदनामा दाग बन के चिपक जाता है। क्योंकि आत्महत्या में सिर्फ एक की मौत नहीं होती, उसके साथ मौत भी होती है उसके पूरे परिवार की। जिंदगी भर के लिए वो एक जिंदा लाश बन के रह जाता, क्योंकि मरने वाले के साथ मर जाता है उसके मां बाप का बाकी जीवन, बहन और भाई के अरमान। किसी खास मौके पर जैसे राखी पे बहन, बर्थडे पे मां बाप, और तरक्की पे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन बिलख बिलख कर रोकर उसे याद करते हैं। उनके दर्द को दुनिया के किसी भी अल्फाज में नहीं लिखा जा सकता भाऊ, किसी भी इमोशन में नहीं बताया जा सकता, किसी भी जुबान से नहीं सुनाया जा सकता। मैंने देखा है ऐसे घर वालों को जो अपने खास के जाने पर जिंदगी भर के लिए एबनॉर्मल हो गए भाऊ, एबनॉर्मल। कभी हंसना भी चाहते हैं ना तो उनको उनके गए हो की याद आती है और वो फिर से बिलख बिलख के रोने लगते।
कावरे बावरे हो जाते हैं, पगला जाते हैं, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तुम सिर्फ एक इंसान हो, पर घर वालों के लिए भाव तुम पूरी दुनिया हो। बाकी समाज के बारे में क्या बोलूं? हाँ, जिस समाज से आप त्रस्त होके ये आप अपनी जान देने जा रहे थे ना, एक बार गौर से सुन लो भाई साहब, ये समाज को आपके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, घर वालों के लिए तुम एक नंबर हो, लेकिन समाज के लिए तुम सिर्फ एक नंबर हो। ये तो सिर्फ एक दिन शमशान में आएंगे, दो दिन घर में आएंगे, तीन दिन सोशल मीडिया पे रिप रिप रिक लिखेंगे, और फिर जैसे ही तुम्हारा चौथा आएगा ये सब 9 to 11 हो जाएंगे, ऐसे गायब हो जाएंगे कि 12वें दिन तो ये तुम्हारा 13वां भी भूल जाएंगे। कहाँ हो तुम? हैं? कहाँ हो? अरे भाऊ कहाँ हो? यहाँ हूँ। मुझे माफ कर दे यार, मैं बड़ा बदनसीब और सेल्फिश हूँ यार। आत्महत्या जैसा पाप करने चला था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था कि मेरी खुशी, मेरा नाम, मेरी बदनामी। तेरी कसम नौरंगी, आज से बस एक ही रूल, जान है तो जहान है। बिकॉज ऑफ यू आई एम स्टिल अलाइव, थैंक यू। अरे भाई अलाइव हो तो भाई लाइव आओ, पब्लिक को सोशल मीडिया पे बताओ, दुनिया में तुम्हारे बहुत फैन है ना, सबको बताओ। मन में जो भी बात है, जो भी इमोशन है, लोगों में बांटो। चलो लाइव आओ नौरंगी मेरे दोस्त। अरे मैं नहीं भाऊ, सिर्फ आप जाओ। क्या है ना, आप अपना वक्त खुद बदलो, अपनी खुशी की चाबी किसी को मत दो, नहीं तो सामने वाला गलत फहमी में रहेगा। उनको लगेगा कि ये आदमी को मेरी ज़रूरत है, मैं नहीं पहुँचूंगा तो उसका काम नहीं होगा, और हमको भी लगता है कि वो आएंगा तो काम होगा। बराबर है यार, सुनने में तेरी बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत सच्ची है, लेकिन यार ये नेपोटिज्म, ये ग्रुपिज्म, ये फेवरेटिज्म, ये चारों तरफ छाया हुआ है। ऊपर से वो सीरियल के लड़के लड़कियाँ जो क्रिएटिव हेड बन के बैठे हैं, वो ऑडिशन के नाम पे किसी को भी बुला लेते, किसी को भी लाइन में खड़ा कर देते। एक्टर कितना ही सीनियर क्यों ना हो, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते। भैया जिसका गॉड फादर नहीं होता है, उसका गॉड ही फादर होता है, समझे? शुरू हो जाओ, जल्दी करो, लाइव आ जाओ। हाँ तो चलो, करो श्री गणेश। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रबल कुमार सरल। कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, आप भी अच्छे? लव यू। और दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा जन्मदिन है, और आज ही के दिन मेरा नया जन्म भी हुआ है। वेटिंग फॉर 2021, लॉकडाउन खत्म होते काउंटडाउन शुरू। वाह, इतने सारे कमेंट्स देखो नौरंगी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, बहुत, कितने सारे लोग लाइक कर रहे, कितने लाख, कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कितने सारे लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, गेट वेल सून एंड कम बैक बोल रहे हैं। लव यू दोस्तों एंड थैंक यू दोस्तों, बस यही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नीड योर लव एंड ब्लेसिंग्स। आपकी इस मेहरबानी के बदले मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप सबके उम्मीदों पे मैं हमेशा खरा उतरूं। ब्लेस यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। सुरक्षा तंत्र लगाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, लो भाऊ इस अनलॉक 5 कॉफी विद गरम को और सिनेमा मालिकों को बड़ी राहत दी है। 15 अक्टूबर से देश भर में 50-30% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल्स, थिएटर खुल जाएंगे। आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है। आर्थिक गतिविधियों को लेकर नई, अरे वाह, क्या क्या सर, अरे भाऊ अनलॉक हो गया ना, इतना दिन से लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, हम हो गए थे 4। धन्यवाद धन्यवाद, अनलॉक हो गए बाबा, आजादी वाला फील आ रहा ना, अनलॉक के बंदे हंस दे। हाँ विकास। हेलो भैया। नमस्ते। नमस्ते। हम पहुंच गए थे। एक महीने बाद, इतना लेट क्यों रे? नहीं नहीं, हम तो लॉकडाउन 3 के 4 दिन पहले ही पहुंच गए थे। अच्छा, कैसे? बस से। बस किसने चलाई? अरे सोनू सूद भैया, जिंदाबाद। हाँ सोनू सूद,
बढ़िया। और भैया आप बाकी कैसे? अच्छा हो, तुम ठीक हो ना? हाँ बढ़िया बढ़िया, हम एकदम बढ़िया है। ठीक है, ध्यान रखो और जल्दी वापस आओ। अब्दुल कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ, ये लीजिए। हेलो, कट गया यार। सोनू सूद ने भी इम्पॉसिबल काम किया। अरे इसको बोलते ना बाबा, भगवान इंसान की मदद करने आया था, खुद बन के सोनू सूद। ये तो वही बात हो गई कि इसको बोलते हैं 100 लोहार की 1 सोनार की। हाँ अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ भाऊ कि अरे तुम्हारे लिए भी कोई सोनू सूद बना होगा ना ऐसा जो तुम्हारी मदद कर सकता है, फोन करो उसको, मदद मांगो ना। हाँ। काम मांगो उनसे, शर्माना कैसा, कॉल करो भाऊ, देर मत करो। लेकिन यार नौरंगी, लेकिन यार वो कमबख्त मनहूस पीआरओ यादव, उसने यार इतना गंदा काम कर दिया, मुझे बदनाम कर दिया। अब अगर किसी को फ़ोन करूँगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कौन, वो फिटियाल आदमी? हाँ। वो पैदल आदमी? अरे वो यादव पीआरओ जिसको मुँह का पावा सिर है? अरे उसकी जो असिस्टेंट थी ना कैमरा गर्ल, हाँ वो लड़की ने जो उस पर मिट्टू लगा दिया, भाषण मचा रहा था। हाँ अभी वो जेल के वार्ड ए वार्ड बी वार्ड जेल के सजा के आगे पीछे चक्कर काट रहा ना, खबर के चक्कर में कबर खोज ली। वही यादव ना जिसका दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर और नियत सिक्स सेंस खराब है, लंबा जाएगा। अच्छा, इसको बोलते जैसी भरनी वैसी करनी। अरे तुम मत टेंशन लेओ ना, तुम अपना अनलॉक एंजॉय करो। वाह। हाँ इसी खुशी में फालतू की बात छोड़ दो, ज्यादा बैगेज सर पे नहीं रखने का, बैगेज फेंको, पोजा फेंको, बैगेज उठाने वाला कौन होता है? कोली। तुमको कोलिक्स बनने का है, कोली बनना है क्या? लोगों को क्या है, कोई मीठा जवाब देगा, कोई कड़वा जवाब देगा, कोई फीका जवाब देगा। अरे लोगों का टेस्ट ले होना, मजा ले होना। सही हीरो नंबर वन। मैं सबसे पहले ना महेंद्र जी को ट्राई करता हूँ, क्या पता बात बन जाए। अरे मेरे मन की बात छीन लेना तुमने, है ना? करो ना भाऊ, चलो। हे भगवान। हेलो चोपड़ा जी। अरे प्रबल क्या बात है, मैं तुमको फोन करने ही वाला था कि तुम्हारा फोन आ गया। मैं समझा नहीं। अरे वो फिल्म कर रहा था ना। हाँ। लॉकडाउन की वजह से सब शटडाउन हो गया, सब बंद हो गया। वो फिल्म हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिल्म चालू हो गई है। एक्चुअली साउथ का जो स्टार ले रहा था वो स्टार ओवर कमिटेड हो गया। ओह। वो बहुत बिजी हो गया, वो करने हैं उसकी डेट की वजह से। तुम हो ना तैयार फिल्म करने के लिए? जी यस सर, जी सर, मैं यस सर, मैं तुम एक्साइटेड हो ना? मैं लबलू। मुझे पता है तुम फिट हो इस रोल के लिए। और सुनो तुम, हाँ? ये फिल्म है ना, हाँ? एक आर्टिस्ट की जिंदगी पे, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स पे। हाँ? क्या बात है, चलो फिर मिलते हैं जल्दी। हाँ? जी बी रेडी। थैंक्स, वी आर ऑन। यार नौरंगी, महेंद्र चोपड़ा जी ने, हाँ? मुझे अपनी फिल्म में ले लिया। हाँ? तेरी बात सच निकली नौरंगी, तू मेरे लिए बहुत लकी है। अब तू कहीं नहीं जाएगा, तू यही मेरे साथ रहेगा, मेरा शिक्षक, प्रशिक्षक, परीक्षक और निरीक्षक बन के, इनफैक्ट मेरा सेक्रेटरी बन के, मेरा मैनेजर बन जा, सारा काम खुद ही मैनेज कर। देख तू कहीं नहीं जाएगा। अब तेरे होते हुए ना, ना किसी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी, ना किसी साइकेट्रिस्ट की। हाँ बिल्कुल भाऊ, जैसा तुम बोलते हो वैसा ही होऊंगा। पक्का? हाँ कप्पा, तुम्हारे सक्सेस को सलाम है ना बाबा। मैं इधर ही क्या हुआ? एक मिनट, हाँ आता हूँ भाऊ, आता हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। नहीं नहीं टेंशन मत लो। अरे अरे आ रहा हूँ भाऊ। आखिर एक मिनट, कहाँ गया औरंगी, कहाँ चला गया भाई? ओ विदर्भ के नुक्कड़ स्टार, हाँ कहाँ गायब हो गया? चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, पुलिस की सायरन सुन के भाग गया। क्या जमाना आ गया, सच्चे सीधे लोग बेचारे ऐसे मारे मारे फिर रहे हैं, और बेईमान 420 पार्टियां कर रहे हैं। जिसके जेब में वजन है वो ही मेरा सजन है, बाकी सभी कजन
अरे आप आए, लो खींचो। खींचू क्या? अरे आप पुलिस वाले हमेशा हमारे फिल्म वालों के पीछे ही क्यों पड़े होते हो? ए ये जौहर कहीं और दिखाना। ए मोरे। हाँ साहब। नहीं, इस गुड़वा कम बुड़वा को डालो अंदर, चढ़वाओ इसके छक्के। चल साहब, आई एम सॉफ्ट, डोंट टच। मेरे शराब है तुम्हें, तुम इंस्पेक्टर से वॉचमैन बन जाओगे। बात कर रहे हो मुझसे? बात करो मुझसे। अरे 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 साहब, ये गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो साहब, साहब गलत कर रहे हो साहब, मैं बहुत ऊंचे हो देगा आदमी हूं साहब। अच्छा सावंत, लेके जाओ इस चेलर को। चल ले छोटे लाल, नशा करने से कट जाता है। साहब तुम गलत कर रहे हो, मैं नेता का आदमी हूं साहब, तुम जैसे कोई ना साहब, मैं गोद लेता हूं। डाल इसे जीप में। मंत्री जी बोलिए। पुलिस वालों को भी पिलाओ। अरे पिलाऊंगा नहीं, जल्दी उठो उठो। अरे हम उठेंगे नहीं, हमको उठाया जाएगा। अच्छा तो तू भी यही है, आज आवाज नहीं निकल रही है तेरी, बहुत धीरे बोल रहा है। चीखूंगा चिल्लाऊंगा, मैं न्यूज वाला हूँ तो न्यूज में लाऊंगा। अच्छा हाँ। तो बेटा मैं भी पुलिस वाला हूँ, तुझे म्यूट में लाऊंगा, फिर मन में चिल्लाना बैठ के हवालात में। शेख चिल्ली को भी लेके जाओ। बड़ी खबर, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में, मीडिया के साथ गुंडागर्दी। चलो, खादी का इतना लिहाज तो किया कि मुंह काला करते वक्त कुर्ता पजामा नहीं पहना। खड़े हो जाइए। अबे ओए, विधायक हैं हम, विधायक। मैं जाऊं ना तो 2 सेकंड में तेरी वर्दी उतरवा सकता हूं, समझा? अच्छा पहले अपना ये नशा तो उतारिए। अरे हाँ साहब, ले चलो विधायक साहब को, इनको बिठाओ गाड़ी में। हाँ फ्रंट सीट पे बिठाना। हाँ साहब, हमारे विधायक है साहब, ले जाओ। ए, ए, चल खादी हमेशा खाकी पे भारी होती है, समझे? ये बात याद रखना ढुल्लो। मोरे देखो यहाँ भी एक साहब। क्या साले, मेरा नाम है मोरे, समझे छिछोरे? चल 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 थाने में तेरी थरक उतारता हूँ। थर की कहीं का? सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोल। सर 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 मैंने ही तो आपको कॉल किया था सर। तो आरती उतारूं? चुपचाप चल यहाँ से। नहीं सर, नहीं, मैंने ड्रग्स नहीं लिया सर, मैं तो यहाँ सिर्फ पार्टी करने आई थी, प्लीज। हाँ। यकीन कीजिए सर। बस यही सब नशेड़ी पहले यही बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। तुम आजकल के यंगस्टर्स नशे का काम क्यों करते हो? काम का नशा क्यों नहीं करते? चल यहाँ से चुपचाप। नहीं सर प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। मेरे घर बिरादरी वाले बहुत छोटी फैमिली से सर। ये सब कुछ नशा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब चुपचाप चल यहाँ से, नाटक बंद। प्लीज सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर अगर अगर आप मुझे छोड़ देंगे ना तो मैं ड्रग्स रैकेट को पकड़वाने में आपकी मदद करूंगी सर। कौन ड्रग्स लाता है, कहाँ से लाता है, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी सर। पर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सच बोल रही है, सबका पता बताएगी? हाँ सर। लेकिन तेरी जमानत के लिए किसी को तो बुलाना पड़ेगा। चल अपने घर वालों को फोन कर। नहीं सर प्लीज, लगा फोन उन्हें। प्लीज नहीं सर, मेरे घर वालों को बीच में मत डालिए प्लीज, वो लोग जीते जी मर जाएंगे। लेकिन कोई तो होगा, पुलिस ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ती, कोई जमानत तो चाहिए। याद कर, कोई है यहाँ आसपास? सर वो प्रबल कुमार। कौन प्रबल कुमार? ये हीरो। ये सर। तू जानती है इसे? जी सर। तू कैसे जानती है इसको?
वो सब मैंने इनके साथ एक फिल्म की थी। हाँ, शक्ल देख के लग रहा है कि तू हीरोइन है, लेकिन ये नशा कर करके क्या हालत बना रखी है। I'm sorry, sir. ये इनसे बात कराएगी क्या? जी सर। करवा। यस सर। लगा फोन। आप बात कर लीजिएगा सर। हेलो। हेलो, हाँ बात करो। हेलो, हाँ साहब, सबको गाड़ी में डाल। ये सब इसको छोड़ दे। एक बात समझ में नहीं आती, आप फिल्म स्टार हो, दुनिया आप लोगों को इतना प्यार देती है, अपना रोल मॉडल तक मानती है, तो आप लोग इस तरह नशे की हालत में उनके सामने आएंगे तो उनपे क्या असर पड़ेगा? I'm sorry, sir. You better be. There's no life without friendship. There is really no life. Oye berang ye zindagi tere bina bojh saansein ye lagne lagi tere bina बन के आंसू तू आंखों से यूं बह गया कि मैं बेबस खड़ा देखता रह गया। तोड़ दी क्यों भला दोस्ती की कसम, क्यों मुझे आज तू अलविदा कह गया। जिंदगी आज वीरान सी हो गई, हर खुशी हो गई गमजदा। पचास रुपए देख के रो रही है मैडम। अरे मैडम रोना नहीं। ओ मैडम आप जाइए जाइए। साला इतना बुरा है। ए भगवान, कोरोना के काल ने इंडस्ट्री पे क्या हाल लाया है, इनका भी टाइम ला दे। अपना ही धंधा ठीक है यार। हेलो गुलिया, मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। माँ कैसी है? माँ बहुत अच्छी भैया। वाह वाह गुड़िया, तूने कितनी अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम दोनों अपना बहुत ख्याल रखना, मैं जल्दी से मिलने आने वाला हूँ। हाँ तो ख्याल रख अपना, माँ का भी ख्याल रखना। जी भैया। सब अच्छा हो रहा है अब। पर ये नौरंगी कहाँ मर गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक मिनट, कहीं अपने गाँव तो नहीं चला गया? क्या था उसका गांव? भंडारा? भंडारा शहर, प्रीतमपुरा। हाँ तो नौरंगी भैया, अब सरप्राइज देने का टाइम आ गया।
साहब, ये नौरंगी कहाँ रहता है? हाँ, वो मोड़ के पास एक मंदिर है, हाँ वहाँ से दाई ले लेना। हाँ, सलाम साहब। माई नमस्कार, मैं नमस्ते प्रबल, मुंबई से आया हूँ, नौरंगी का दोस्त हूँ। वो नौरंगी कहाँ है? जी अरे वाह, ए नौरंगी, ए नौटंकी, ए पगल, ए पगला, कहाँ पर है? कहाँ है माजी नौरंगी? सामने क्यों नहीं आ रहा? अरे ये क्या सामने ही है? सामने कहाँ? ये नौरंगी फोटो पर हार क्यों पहना है? डेढ़ महीने पहले इसका देहांत हो गया बेटा। ये गांव गांव जाके नुक्कड़ नाटक करता था, आत्महत्या करने से लोगों को रोकता था। हे मित्र किसान, तुम तो हो इस देश की शान, आत्महत्या कर रहे हो, मरने दो, भला क्यों हो परेशान? कर्ज की वजह से, खेती बाड़ी के लिए लिया हुआ कर्ज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, कैसे जिया जाए समझ में नहीं आ रहा है। अरे आत्महत्या करना पाप है, धरती के लाल आप है। हे किसान, ऐसा पाप ना करे। हे अन्नदाता, हम सब के लिए ना बनो तो मृत्युदाता। आपके पास इस कंधे पे खेती करने के लिए हल है, और आप ही इस देश के समस्त समस्याओं का हल है। आत्महत्या नहीं करेंगे आप, वचन दो, वचन दो। ठीक है, हमें जीवित रखने के लिए तुम सदैव जीवित रहोगे अन्नदाता। गांव में नाटक करने गया था, तब तक कोरोना का लॉकडाउन हो गया और मेरा बेटा उसमें फंस गया और वापस नहीं आ सका। और कुछ दिन बाद खबर आई, उसे थोड़ी खांसी हो गई थी, फिर कुछ दिन बाद अचानक कोरोना से उसकी मौत हो गई। मुझे तो हाथ लगाने भी नहीं दिया मेरे बेटे को, मैं देख भी नहीं सकी मेरे बेटे को। अंतिम संस्कार सब मेरे बेटे का उन्होंने किया। मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। पता नहीं मेरा बेटा कोरोना से गया या डॉक्टर की गलती से मरा, क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। बेटा तू पता कर। हाँ हाँ। तू पता कर बेटा। हाँ। तू पता कर बेटा, तू पता कर। नौरंगी बहुत महान था, धीरज रखो माई, धीरज रखो। लेकिन बेटा तुम उसे कैसे जानते हो? मैं ना, हम दोनों बिजनेस पार्टनर है। अच्छा, बिजनेस पार्टनर। तुम नुक्कड़ नाटक? हाँ यस। अच्छा, हम लोगों ने ना दोनों ने मिलके एक नुक्कड़ नाटक की कंपनी बनाई। अच्छा। जिसके तहत हम लोगों को हर महीने 1,00,000 रुपए मिलने वाले हैं, 50,000 उसका, 50,000 मेरा। लेकिन अब ये तो है नहीं, तो इसके 50,000 मैं इसे देने आया था। ये देखिए, ये रखिए, ये उसी का। वो हर महीने माजी 50,000 रुपये आपके खाते में, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ये उसी की इन्वेस्टमेंट। मुझे आशीर्वाद दो माई, सदा खुश रहो। ये मेरा कार्ड, कभी भी आपको मुझसे बात करनी हो प्लीज अपना बच्चा समझ के फोन कीजिएगा। समझिए कि नौरंगी मैं ही हूं। ठीक है। हेलो महेंद्र चोपड़ा जी। अरे सुनो, कल से वर्कशॉप चालू हो रहा है, तुम आ जाओ कल से ऑफिस में। यस सर, मैं कल टाइम पे पहुंच जाऊंगा। सर कहानी का टाइटल क्या है?
हाँ, फिल्म का कैरेक्टर का नाम भी है नवरंगी और फिल्म का टाइटल भी है नवरंगी। क्या नवरंगी पसंद है ना? अरे सर चलेगा ना? चलेगा क्या? दौड़ेगा नवरंगी। चल बाय। यस सर, आई एम कमिंग। माजी, मेरी एक फिल्म बनने वाली है, उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम नौरंगी है और फिल्म का नाम भी नौरंगी है। अच्छा। मैंने कहा था ना, नौरंगी गया नहीं, वो हमेशा जिंदा रहेगा। हाँ बेटा। हम जैसे लोग जब अपनी राह भटक जाएंगे, हमें राह दिखाने, तब तब हमें किसी न किसी रूप में बचाने नौरंगी आ जाएगा। माई, आप प्लीज अपना ख्याल रखना। पढ़ना। हाँ बेटा, आते रहना। जरूर। पढ़ना। मैं आ गया महेंद्र जी। अरे प्रबल मेरा हीरो, लॉकडाउन अनलॉक हो गया ना? हाँ महेंद्र जी, पूरी दुनिया का तो पता नहीं, पर मेरी जिंदगी का लॉकडाउन आपकी और नवरंगी की वजह से अनलॉक हो गया। नवरंगी हो नवरंगी तुम, इस बार धमाल कर देना। अपनी सांसों से भले हो गए आजाद, अपनी सांसों से भले हो गए आजाद। मिलती है फिर जिंदगी, मिलती है फिर जिंदगी, चले जाने के बाद, चले जाने के बाद, चले जाने के बाद। अपनी सांसों से भले हो गए आजाद, मिलती है फिर जिंदगी चले जाने के बाद, चले जाने के बाद, चले जाने के बाद, चले जाने के बाद। रह गई तेरी रूह भी और तेरी याद, रह गई तेरी रूह भी और तेरी याद। दिल सोच रहा है कल को कि तुम अभी तो साथ, दिल सोच रहा है कल को कि तुम अभी तो साथ थे, तुम अभी तो साथ। आंखें तुमको खोजती, आंखें तुमको खोजती, चले जाने के बाद, चले जाने के बाद, चले जाने के बाद।